आउज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। शुरू अल्लाह के पाक नाम के साथ जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। गुड आफ्टरनून एंड अस्सलाम वालेकुम। माय नेम इज़ हुमा असद, आई एम फैकल्टी मेंबर ऑफ हजवेरी यूनिवर्सिटी। आई विल बी होस्टिंग टुडेज़ सेशन। आज का जो हमारा टॉपिक है उसका एम है टू डिस्कस हाउ द मीडिया और इंडस्ट्री ऑफ मीडिया is surviving and evolving in the current scenario after pandemic, जो भी situations हैं उसके हवाले से हम बात करने वाले हैं। I would like to introduce my honorable guest today. Thank you for joining us, sir. Zafar Iqbal, faculty member हैं ये department of film, TV, advertising and media के। और next हमारी guest मौजूद हैं Ishal Suleiman, thank you for coming. She is a TV anchor in 92 News. थैंक यू सर एंड मैम। सर, मेरा पहला क्वेश्चन आपसे होगा, इंट्रोड्यूस HU डिपार्टमेंट ऑफ मीडिया स्टडीज़। जी हुमा, जो मीडिया स्टडीज़ डिपार्टमेंट है हजवेरी यूनिवर्सिटी का, तो यहाँ पर स्टूडेंट्स को ना सिर्फ सिर्फ और सिर्फ थ्योरेटिकली चीज़ें जो है वो पढ़ाई जाती हैं, बल्कि दिस इज़ द बेस्ट डिपार्टमेंट इन द यूनिवर्सिटीज़ ऑफ लाहौर। उसकी सबसे बड़ी फैक्टर जो है इशाल, शी इज़ अ टीवी एंकर एंड शी विल एग्री विद मी कि इस वक्त मार्केट के अंदर जो मीडिया इंडस्ट्री है वहाँ पर स्किल जो है वो सेल होती है। जब आप डिग्री लेके स्टडी मुकम्मल करके यूनिवर्सिटी से तो आप इंडस्ट्री में जाते हैं एंड देन आफ्टर दैट यू आर सीकिंग जॉब। और जो अभी करंट स्टूडेंट्स हैं हजवेरी यूनिवर्सिटी के, तो दे आर वर्किंग नॉट ओनली नेशनल लेवल बल्कि इंटरनेशनल लेवल, मुख्तलिफ ममालिक के अंदर भी हजवेरी यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स जो है, क्योंकि मीडिया एक ऐसी फील्ड है जिसका स्कोप सिर्फ नेशनल लेवल पे नहीं है बल्कि एक इंटरनेशनल लेवल के ऊपर पूरी दुनिया के अंदर मीडिया की फील्ड है, एग्जिस्ट करती है। दिस इज अ इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन, ठीक है। तो जो मीडिया इंडस्ट्री है उसको ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स को स्किलफुल करने के लिए, उनको ज़्यादा इक्विपमेंट करने के लिए, तो हमारा जो विजन है वो ये कि स्टूडेंट्स के पास टेक्निकल स्किल होना चाहिए। इसलिए जो हमारे स्टूडेंट्स हैं हजवेरी यूनिवर्सिटी के, वो बेस्ट एडिटर्स हैं, एडिटिंग कर सकते हैं, उनके पास जो है वो दे आर द गुड ग्राफिक्स डिज़ाइनर्स और एंड दे आर आल्सो वेरी गुड इवन के डायरेक्टर प्रोड्यूसर। और ड्यूरिंग द स्टडीज ही वो यहाँ पर डिपार्टमेंट के अंदर वीडियो सॉन्ग्स प्रोड्यूस कर रहे होते हैं, शॉर्ट फिल्म्स प्रोड्यूस कर रहे होते हैं, ड्रामा प्रोड्यूस कर रहे होते हैं, तो उनको बहुत सारे प्रोजेक्ट्स मिलते हैं और उस प्रोजेक्ट्स के दौरान में उनकी ये ट्रेनिंग हो जाती है। और आफ्टर दैट जब वो अपनी डिग्री कंप्लीट करते हैं वो एक फाइनल प्रोडक्ट बन चुके होते हैं जिसको इंडस्ट्री में उनकी डिमांड डेवलप हो चुकी होती है कि वेन एवर वो जब किसी भी, और आपको पता है कि जब से ये डिजिटल मीडिया और सोशल मीडिया, तो उसके बाद जो है वो ये इंडस्ट्री जो मीडिया की है ये बहुत ज़्यादा एक्सपेंड हो चुकी है। पहले इट वॉज लिमिटेड टू द स्पेसिफिक प्राइवेट चैनल्स, ठीक है। अब ये है कि जो है ना कि वो मैक्सिमम पीपल आर शिफ्टेड देयर सेल्व्स टू वर्ड्स जो है वो मीडिया इंडस्ट्री, और उन्होंने प्रोडक्शन हाउसेस जो है वो बना लिए, और हमारे जो स्टूडेंट्स हैं उनके प्रोडक्शन हाउसेस जो है वो लाहौर के डिफरेंट प्लेसेस में और पाकिस्तान के मुख्तलिफ शहरों के अंदर दे आर डूइंग इट वेरी सक्सेसफुली। वेल डन, थैंक यू सो मच सर फॉर योर व्यूज़। मैं आपसे पूछना चाहूँगी कि हाउ इज़ द मीडिया इंडस्ट्री सर्वाइविंग एंड इवॉल्विंग इन द करंट एरा, आजकल के दौर में किस तरीके से सर्वाइवल हमारा क्या हो रहा है? हुमा, मैं आपको बताऊँ कि मीडिया इंडस्ट्री की अहमियत हर दौर में रही है जी, ठीक है। आप अगर उसकी हिस्ट्री को, मीडिया की इंडस्ट्री की हिस्ट्री को अगर आप उसका जायजा लें, मीडियम तब्दील होते रहे हैं। एक वक्त में रेडियो पाकिस्तान, फिर पाकिस्तान टेलीविजन, फिर जो है वो आपके प्राइवेट चैनल्स आ गए, और उसके बाद फिर आपका डिजिटल मीडिया, सोशल मीडिया, और एक बहुत तेजी से जो है वो मीडिया इंडस्ट्री के अंदर एक रेवोल्यूशनरी चेंज आया। मगर इसके बावजूद भी मीडिया की जो इम्पोर्टेंस है वो डे टू डे जो है वो इंक्रीज हो रही है। अब जी ये जो आपके पास सेल फोन है, इट्स अ कंप्लीट मीडिया पैकेज, इसके अंदर आपके पास वो तमाम चीज़ें मौजूद हैं जो आपको डे टू डे न्यूज़, ठीक है, करंट अफेयर्स, प्रोग्रामिंग, टीवी चैनल्स, इसके अंदर हर चीज़ आपके पास, समझे कि ये आपका एक इंफॉर्मेशन वर्ल्ड है जो कि आपकी पॉकेट के अंदर है एंड यू आर कनेक्टेड विद द होल वर्ल्ड। तो मीडिया की, और दिस इज अ मीडिया, ठीक है, तो ये कि मीडिया की इम्पोर्टेंस हमारी लाइफ में
बहुत ज्यादा बढ़ गई है, चाहे वो और फिर पैंडेमिक में तो लोगों के पास और ज्यादा टाइम था, दे एंगेज देयर सेल्व्स और उन्होंने अपने आप को मीडिया की मदद से खुद को एंटरटेन भी किया, और वो जो फॉरेन वक्त था ठीक है, उन्होंने यूट्यूब के ऊपर और डिफरेंट मीडियम्स के ऊपर वो क्लासिकल प्रोग्राम्स देखे, वो ड्रामास देखे, जो चीजें देखी जो पहले उनके पास वक्त ही नहीं होता था, डे टू डे रूटीन में लोग इतना बिजी थे कि पहले उनके पास उस तरह से वक्त नहीं था। और इस पैंडेमिक के अंदर डिजिटल मीडिया की इंडस्ट्री ने बहुत ग्रो किया है, क्योंकि उसकी डिमांड बहुत ज्यादा बढ़ गई, क्योंकि आपकी सारी की सारी जो लर्निंग है वो ई लर्निंग शिफ्ट हो गई, आपके तमाम के तमाम चीजें वेबिनार्स में शिफ्ट हो गई, और वो तमाम नेशनल लेवल पे इंटरनेशनल लेवल पे वेबिनार्स हो रहे हैं। तो इसलिए मैं समझता हूँ कि पैंडेमिक के अंदर मीडिया इंडस्ट्री के का जो वर्क था जो, या जो स्कोप था वो और खुल के सामने आया कि दिस इज वेरी इम्पॉर्टेंट मीडियम जिसकी बहुत ज्यादा डिमांड है। और अब मैं समझता हूँ कि एवरी वन इज अ मीडिया पर्सन, कि जो कि नॉर्मली तौर पे डे टू डे अपनी एक्टिविटीज को चीजों को इसी मीडियम के थ्रू मीडिया के थ्रू प्रमोट कर रहा है। जी बिल्कुल, मीडिया ओरिएंटेड हो गए हैं हम लोग। जी बिल्कुल, कंटिन्यू करेंगे। मैम आपसे क्वेश्चन है मेरा कि स्टूडेंट्स को आप क्या एडवाइस करेंगी कि किस तरीके से वो प्रिपेयर करें फॉर द सक्सेसफुल फ्यूचर इन दिस फील्ड, कैसे? एक्चुअली मैं थोड़ा सा अपना एक्सपीरियंस शेयर करूंगी कि जब आप आते हैं एज अ स्टूडेंट होते हैं तो आपके एम बहुत बड़े होते हैं, आपको बहुत कुछ करने के लिए आपके पास होता है, और आपके माइंड में एवरीडे डिफरेंट वो आ रही होती हैं कि आइडियाज के हम ये करेंगे हम वो करेंगे, लेकिन आप वो जो हर दिन चेंज हो रहे होते हैं ना आइडियाज, उनको लेके ना चलें, लेकिन एक वो एम बनाने की यार मैंने ये करना है और उसके ऊपर फिर डट जाएं। मतलब लाइक मैं बहुत छोटी थी, हार्डली 7-8 years old, जब घर पे एक टीवी के ऊपर पीटीवी का वो न्यूज बुलेटिन चल रहा होता था, खबरनामा जिसको कहते हैं, और लड़की और लड़का बैठ के खबरें पढ़ रहे थे, तो मैंने वहां से मैं इतना इंस्पायर थी उनसे कि मुझे था कि मैंने जर्नलिस्ट बनना है, मैंने एक दिन इस तरह से इस पोजीशन पे सीट पे बैठना है, अल्हम्दुलिल्लाह मैं वहां पर हूँ। लेकिन वो जो एक छोटा सा बचपन का एक पैशन था ना, मेरी फैमिली में कोई जॉब नहीं करता, मेरी फैमिली में कोई इस तरह से मीडिया फील्ड में नहीं है, तो जब मैंने अपने आप को इस तरह से एक्सप्रेस किया घर वालों के सामने बहुत छोटी एज में कि मैं एक दिन यहाँ पर बैठी हूँ, तो मेरे घर वालों ने कहका लगाया कि कैसे, मतलब हमारी फैमिली में जब बच्चे जाते ही नहीं है और लड़कियां स्पेशली नहीं इस फील्ड में जा सकती और जॉब नहीं करती है, तो मीडिया फील्ड तो आपको पता है कितनी बड़ी वो हवा बना रखा है हमारे मुआशरे ने, पहले बना रखा था, अब तो खैर नहीं है। तो उसमें भी मैंने अपने आप को प्रूव किया अपनी स्टडीज के दौरान, जैसे सर कह रहे हैं कि आजकल हमारे स्टूडेंट्स स्टडीज के दौरान ही अपने आप को प्रूव कर लेते हैं कि वो किस फील्ड में जा सकते हैं और वो क्या कर सकते हैं। तो मैं सिर्फ ये नहीं कहूंगी कि स्टूडेंट्स जो हैं वो उनके लिए बहुत इजी है इस फील्ड में आना, ये टाइम टेकिंग है, आपको अपने आप को खत्म कर देना पड़ता है, आपकी तमाम के तमाम जो आप समझते हैं कि फैमिली टाइम है या आपकी गैदरिंग्स हैं एक्टिविटीज हैं, सब कुछ खत्म करके आपको फोकस करना पड़ता है। तो जब आप फोकस करेंगे तो आपको अचीव करने से कोई नहीं रोक सकता, आपको कामयाब होने से कोई नहीं रोक सकता, और फिर ये फील्ड हो या कोई भी फील्ड, थोड़ी सी डिफिकल्ट है क्योंकि इस फील्ड में आने के बाद ना तो आपका कोई त्योहार रह जाता है, ना कोई आपकी सेलिब्रेशंस इवेंट्स, कुछ नहीं रह जाता, खत्म हो जाता है, आपको फोकस करना पड़ता है इसी के ऊपर। सही, तो ये नेगेटिव इंपैक्ट नहीं होता इसका कि सोशलाइजेशन बिल्कुल जीरो? हाँ थोड़ा सा, मैं आपको एक बात बताऊं, अगर आप इसमें पैशन के तौर पर आए हुए हैं ना, तो आपको बहुत कुछ कॉम्प्रोमाइज करते हुए भी बुरा नहीं लगता, when the result is perfect, then exactly. say, okay, और फिर आपको उस वक्त लगता है कि यार मैं कुछ हूँ। जब आपसे लोग, मैं आपको एक बात बताऊं, जब मैं इवन मुझे नहीं लगता कि लोग इतना ज्यादा हम लोगों को पहचान पाते होते हैं, क्योंकि हम लोग वहां पर इतने स्टैचू टाइप और ये वो होते हैं, तो लेकिन इसके बावजूद जब मैं प्रोग्रामिंग में आई हूँ, मैंने अपने आपको बाहर लोगों के साथ इंट्रोड्यूस करवाया, इंटेलेक्चुअल हुई थोड़ा सा, तो लोग अब उस तरह से पहचानते हैं और लोग अपनी प्रॉब्लम्स शेयर करते हैं। मुझे लगता था कि यार पता नहीं मैं किस सीट पे बैठी हूँ, जब मैं प्रोग्राम करती थी और मेरे पास कॉल्स आती थी कि यार हमें ये इशू है या ये इशू है, ये हो गया वो गया, तो मुझे लगता था कि यार मैं बहुत कोई काम कर रही हूँ। मुझे उस वक्त फील होता था कि अगर मेरी फैमिली मेरे पीछे कॉम्प्रोमाइज कर रही है या मैं उनके साथ टाइम स्पेंड नहीं कर रही, मैं कॉम्प्रोमाइज कर रही हूँ, तो दैट्स मीन कि मैं कुछ तो कर रही हूँ ना यार, मैं फारिग नहीं बैठी हुई यहाँ पर। तो उस वक्त आपको कॉम्प्रोमाइज अब कर लेते हैं जब आपको लगता है कि यार आप कुछ कर रहे हो। That's great. Thank you for the views. आपका next question पूछना चाहूँगी मैं कि females जो हैं आजकल, आप जैसे media है तो सब कहते हैं कि females तो नहीं,
नो, बिग नो. तो उनको क्या बैरियर्स उनको देखने पड़े, किस तरीके से ग्रोथ होती है, प्रोफेशनल ग्रोथ बीइंग अ फीमेल, और आप माशाल्लाह इतनी सक्सेसफुल एंकर हैं, तो आप क्या एडवाइस करोगे जो फीमेल स्टूडेंट्स ज्वाइन करना चाहती हैं इंडस्ट्री, उनके लिए? बहुत ही मुश्किल है जी इसके ऊपर बात करना, क्योंकि बहुत सारे, आपको भी पता है कि इसके ऊपर बातें होती हैं मीडिया फील्ड में. हाँ, ये बात गलत तासुर है कि लड़कियों को इस फील्ड में नहीं आना चाहिए. लड़कियों के लिए भी ये फील्ड वैसी है जैसी लड़कों के लिए है. और मुझे लगता है कि लड़कियों को जब बाहर निकलना है तो एक लड़का बन के, वो एक लड़की की तरह नजर आती हैं. ये जरूरी नहीं है कि वो अंदर से भी लड़की हैं, उन्हें मजबूत होना होगा, उन्हें स्ट्रांग होना होगा. लाइक बॉय, कोई भी लड़का है तो वो जिस तरह से बाहर निकल सकता है, अब लड़कियां क्यों नहीं निकल सकती? लड़कियां अगर पायलट हो सकती है, इंजीनियर हो सकती है, मतलब बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स बना रही है, जहाज उड़ा रही है, मतलब कुछ भी कर सकती है, तो फिर वो क्यों नहीं मीडिया फील्ड में क्यों नहीं आ सकती? हाँ, बैरियर्स हैं, डिफिकल्टीज भी आती हैं, स्पेशली लड़कियों के लिए. हमारी सोसाइटी ऐसी है कि हम लड़कियों को लड़कियों की तरह डील करते हैं. हमें थोड़ा सा, मैं अपनी सोसाइटी को भी कहूंगी, मैं खुद हूँ, मेरे घर में भी मर्द हजरात हैं, तो मैं तो सब मर्दों से ये कहती हूँ कि भाई लड़की को लड़की की तरह देखना सबसे पहले छोड़ दें. वो अगर आपके शाना बशाना खड़ी है, आपके कंधे से कंधा मिला के खड़ी है, तो दैट्स मीन कि वो भी सोसाइटी का हिस्सा है. वो एक लड़की नहीं है, वो एक नाजुक कली नहीं है, उसको उस तरह से ट्रीट मत करें. फिर दूसरा, हमारी लड़कियां जब आती है फील्ड में, बहुत ही कुछ लड़कियां जहन में भी बना के आई होती है कि यार बस हमें पोजिशन पोस्ट ये चाहिए, उसके लिए कुछ भी चलेगा. तो वो जो है वो गलत है. वो नेगेटिव, आपको मेहनत से, और फिर जो लॉन्ग टर्म आपने चलना है वो आपने अपनी स्किल्स पे चलना है. एक्सेप्टेंस तभी मिलेगी. एग्जैक्टली, अगर आपने शॉर्ट वे इस्तेमाल करना है और आपने आना है ना, तो उसका टाइम ड्यूरेशन बहुत शॉर्ट होता है. आपको एग्जैक्टली, अगर आपको वाकई में एक समंदर में उतरने लगे है ना आपको, तो आपको पूरी तैयारी के साथ उतरना चाहिए, ना कि फिर सिर्फ ये सोच करके मैंने लाइफ जैकेट पहन ली उतर गए, उसके बाद आपको तैरना तो आता नहीं, लाइफ जैकेट भी कब तक आपको वो सर्वाइव आपको करवाएगी? तो इसलिए आपको अपनी पूरी प्रिपरेशन के साथ उतरना. मैं ये समझती हूँ, जो लड़कियां ये समझती हैं कि छोटा सा रास्ता है, इस रास्ते से हम पहुंच जाएंगे, शॉर्टकट्स देके, तो वो नहीं होना. मेरी तो यही सजेशन है. मैं शायद से बिल्कुल एग्री करूंगा. और वही बेसिकली तौर पे लड़कियां हैं जिनकी वजह से एक इम्प्रेशन ओवरऑल मीडिया इंडस्ट्री का जो है वो खराब होता है, और कई फैमिलीज जो है वो इस हवाले से फिर कॉन्शियस होती हैं. हालांकि मैं समझता हूँ कि आई टोटली एग्रीड विद ईशाल के अगर आप खुद ब्रेव हैं और आप अपने राइट डायरेक्शन के ऊपर हैं, तो नो वन कैन चेंज यू. ठीक है, और कोई भी, ठीक है, आपके ऊपर इन्फ्लुएंस जो है वो चीज़ें असरअंदाज नहीं होगी. ठीक है, अगर वो करने की कोशिश भी करेगा, उन्हें बहुत जल्दी पता चल जाएगा कि जर्नल के शी इज़ ऑन राइट डायरेक्शन. ठीक है, और वी हैव टू नॉट डू दिस वन. तो मैं ये समझता हूँ कि माइंड सेट बड़ा तेजी से लोगों का तब्दील हो गया है मीडिया के हवाले से. विशाल वंस टोल्ड मी, सैयद नूर कहते हैं कि जो है ना, कि मुझे एक खातून मिली, एक इवेंट था शादी का, तो कहती हैं कि पाकिस्तानी फिल्मों के अंदर जो है वो अच्छी लड़कियां जो है वो काम नहीं करती. तो सैयद नूर, ये तो बहुत हर जगह ये प्रॉब्लम है. अच्छा, सैयद नूर ने कहा कि जो है ना, कि ऐसा करें कि आप अपनी बेटी को जो है, मैं नेक्स्ट मूवी बना रहा हूँ उसमें मैं आपकी बेटी को कास्ट करता हूँ. वो खातून हाइपर हो गई कि जो है ना, कि व्हाई इज यू सेड के मेरी बेटी जो है वो आपकी फिल्म में काम करेगी. उसने कहा जब आप अच्छे लोग काम नहीं करेंगे तो फिर जो लोग अवेलेबल होंगे मैं तो उन्हीं को कास्ट करूंगा ना. मगर ये तेजी से बड़ा तब्दील हुआ है पिछले चंद सालों के अंदर, कि हमारी फिल्म इंडस्ट्री के अंदर, हमारी ड्रामा इंडस्ट्री के अंदर एजुकेटेड यंग टैलेंट लोग और बड़ी अच्छी फैमिली से लोग जो है वो आ रहे हैं, और दे आर वेरी सेंसिबल. तो और फिर हमने, मैं रिसेंटली साउथ पंजाब के विजिट पे था, तो मैं देख रहा था कि साउथ पंजाब की ईशान यूनिवर्सिटीज के अंदर भी लड़कों से ज्यादा तादाद इस वक्त लड़कियों की है. तो फैमिलीज ने अपना माइंडसेट और चीजें तब्दील की, और उन्हें अब अपने बच्चों पे भरोसा है, और वो सोसाइटी से उस तरह से खौफजदा नहीं है जिस तरह से माजी में. एग्जैक्टली, जफर साहब बिल्कुल सही कह रहे हैं. सोसाइटी जो है ना, वो अब अपना माइंडसेट थोड़ा बहुत चेंज कर रही है. वो भी हमें चेंज करना पड़ेगा, हमें खुद उस तरह से होना पड़ेगा कि हम चेंज करें. समटाइम लड़कियां मैं देखती हूँ कि वो हिजाब में भी जा रही है ना, तो 10 लड़के तो उन्हें छोड़ने के लिए नजरों से ही जा रहे होते हैं. तो क्यों जा रहे होते हैं? वो तो हिजाब में है, वो फुल कवर्ड है. हम ये कह देते हैं कि यार ये थोड़ी मॉडर्न है, इस वजह से इसके पीछे जा रहे होंगे, या ये मॉडर्न है तो ये गलत है. क्यों भाई? हर एक को पहन
पहनने ओढ़ने का अपना एक राइट है और उसको पता है कि वो क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा, सही होना या दुरुस्त होना इसका फैसला हम लोग नहीं कर सकते, हम जजमेंट नहीं कर सकते, ना ही हमें करनी चाहिए। हम ये सोचकर एक लड़की के पीछे पीछे चल रहे हैं कि यार ये लड़की अकेली जा रही है तो हम कब बदलेंगे, हमारी बहनें बेटियां सब निकलती हैं बाहर और हर फील्ड में, वो ड्रामा इंडस्ट्री है, वो टीवी इंडस्ट्री है, फिल्म इंडस्ट्री है या फिर वो फैशन इंडस्ट्री है, हम लोग एंकर्स की फील्ड है, सब फील्ड है, एक जैसी है लड़कियों के लिए। इसको मैं इस नजरिए से देखता हूँ कि यू मस्ट थिंक अबव देन जेंडर डिफरेंस, ठीक है, लड़के लड़कियां जो है दे कैन बिकम अ गुड फ्रेंड्स, वो अच्छे एनवायरनमेंट में रह सकते हैं, पढ़ सकते हैं, आगे अपना जो प्रोफेशन है उसको कंटिन्यू कर सकते हैं, तो उनको एक अच्छा वर्किंग रिलेशन जो है वो बिल्टअप करना चाहिए विदाउट दिस डिस्क्रिमिनेशन के जो है ना कि जेंडर डिस्क्रिमिनेशन। बिल्कुल, और बच्चों के लिए तो अब जिस तरह से हम लोग देख रहे हैं, आगे छोटे बच्चे हैं हमारे, मेरे खुद के बच्चे हैं माशाल्लाह से, तो मैं ये समझती हूँ कि बच्चों को हमें बचपन से ही इस तरह की तरबियत देनी पड़ेगी, तरबियत के वो बड़े होकर ये ना हो कि बहन से मुझे ऊपर होना है और बहन जो है वो ये नहीं कर सकती, भाई को ये करना सूट करता है, उनके हमें अभी से तरबियत इस तरह से करनी पड़ेगी। बिल्कुल, आपकी बात बिल्कुल सही है और बड़ा हेल्दी डिस्कशन हुआ इसके ऊपर। नेक्स्ट क्वेश्चन मैं जफर साहब आपसे करना चाहूँगी कि हाउ डज हजवेरी यूनिवर्सिटी यहाँ का जो स्कूल ऑफ मीडिया स्टडीज है वो कैसे प्रिपेयर करवा रहा है स्टूडेंट्स को बेटर मीडिया प्रोफेशनल बनने के लिए या दूसरी यूनिवर्सिटीज से कंपैरिजन में बेटर होने के लिए, क्या हमारी एफर्ट्स हैं? जी उमा, आपको जानकर जो है खुशी होगी इस बात की कि हमारा जो HU मीडिया स्टडीज डिपार्टमेंट है, यहाँ पर हम जितने भी हमारे स्टूडेंट्स हैं उनको इंडस्ट्री के साथ हम लिंक करते हैं। हम स्टूडेंट्स को सबसे पहले तो हम उनको स्किलफुल बनाते हैं। अगर कुछ स्टूडेंट्स को एंकरिंग का शौक है तो हम ऑब्वियसली वो फोकस करते हैं कि दे मस्ट बी गुड एंकर्स, और हमारी यूनिवर्सिटी के कई स्टूडेंट्स इस वक्त जो है वो मेन स्ट्रीम मीडिया पे ऐसा एंकर काम कर रहे हैं, दे आर परफॉर्मिंग। इसी तरह से कुछ स्टूडेंट्स हैं उनके अंदर डायरेक्शन प्रोडक्शन के हवाले से जो है वो क्योंकि ये बेसिकली तौर पे आपके अंदर कुछ जर्म्स होते हैं, स्किल और आपका इंटरेस्ट होता है, शौक होता है। हम जो टॉप मीडिया इंडस्ट्री के अंदर जो मीडिया आइकन्स हैं उनके साथ उनकी मीटिंग करवाते हैं। मैंने इवन के लास्ट टाइम मीडिया स्टडीज की मीटिंग जो है वो इशार मुस्तनसर सैंतारक साहब से करवाई, एंड दैट वाज वेरी फ्रूटफुल एंड इंटरेक्टिव सेशन विद हिम। तो क्या है कि हम उनको कॉन्फिडेंस उनका बिल्टअप करते हैं। मैं तो एक चीज़ जानता हूँ मीडिया स्टडीज़ के अंदर कि अगर जिस स्टूडेंट का भी कम्युनिकेशन स्किल जितना अच्छा है उसके लिए फील्ड में उतनी ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज है। तो इस और फिर सबसे बड़ा जो मैं आपको बताऊँ कि जिस इरा में आपने आँख खोली है या जो भी मौजूदा स्टूडेंट्स का दौर है, तो एक वक्त था कि जब सिर्फ PTV था, लोग कई कई महीने PTV के बाहर खड़े रहते थे कि शायद कभी उनका जो है वो ऑडिशन हो जाए, सिर्फ ऑडिशन हो जाए, इसलिए जो है वो कई कई माह वेट करते थे। फिर उसके बाद प्राइवेट चैनल्स आ गए, अपॉर्चुनिटीज एक्सपेंड हुई, बहुत सारे लोगों को जो है वो एंकरिंग का और डायरेक्शन प्रोडक्शन का, और स्टार्ट के अंदर तो इवन के क्रू और स्टाफ नहीं मिलता होता था टेलीविजन के इंडस्ट्री के लिए जो है, क्योंकि लोग ट्रेन नहीं थे, वो चैनल्स के अंदर ही जाके खुद को ट्रेन करते थे, और जो यूनिवर्सिटीज थी वो जो इनपुट देती थी स्टूडेंट्स की, तो वो स्किलफुल स्टूडेंट्स नहीं होते थे, उन्हें थ्योरेटिकली तौर पर जर्नलिज्म पढ़ी होती थी, तो वहाँ पे जाके वो ट्रेन होते थे। और फिर ये वाली जो मैं बात कर रहा हूँ कि अब उनके पास एक्सपेंड होने से ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज हैं कि वो ड्यूरिंग द स्टडीज ही, ठीक है, ये एक्सपीरियंसेस करते रहते हैं, प्रोग्राम्स प्रोड्यूस करते हैं। अभी मैं बल्कि प्रोग्राम स्टार्ट होने से पहले विशाल के साथ यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स की मूवी शेयर कर रहा था कि उन्होंने एक हॉलीवुड लेवल का काम किया है और वो प्रोड्यूस किया। तो वी आर रियली, और फिर इसी स्टेज के ऊपर मैंने इंशाल्लाह एक स्टेज एक्ट जो है वो स्टेज जो एक ड्रामा है वो तकरीबन कोई 40 मिनट का प्ले प्रोड्यूस किया, डायरेक्ट किया और उसका स्क्रिप्ट भी लिखा, और उसकी इवन के मिनिस्टर्स केम ओवर हियर टू वॉच दैट प्ले। तो क्या था कि उस प्ले के जो व्यूज थे जब हमने यूनिवर्सिटी पेज पे उसको लेके गए तो वो तकरीबन कुछ 3.5 लाख व्यूज थे, 3.5 लाख लोगों ने उसको ऑनलाइन प्ले को देखा। तो क्या है कि आपकी टेक्नोलॉजी चेंज हो गई है, यहाँ पर 400-500 लोगों ने देखा होगा ऑनलाइन उस प्ले को जो है वो 3.5 लाख लोगों ने देखा। तो इसलिए अगर आपके पास टैलेंट है तो आप अपने आप को जो है इस वक्त अपने आप को रिकग्नाइज करवाना, इंट्रोड्यूस करवाना, दिस इज वेरी इजी जॉब।
को ये कहूंगी कि प्लीज सिर्फ ना आप एंकरिंग में ना आए और बहुत सारी फील्ड्स हैं जिसमें आप जा सकते हैं, क्योंकि एंकरिंग के ऊपर अभी इतना ज्यादा प्रेशर हो गया है कि हर रोज एंकर्स, और मैं अपने अपने इदारे में देख रही होती हूँ कि डेली बेसिस पे कुछ 10-12 स्टूडेंट्स नए फ्रेशली आ रहे होते हैं कि मैम हमें क्या करना होगा. मैंने कहा भाई तुम लोग कहाँ फंस रहे हो, कोई और फील्ड चूज करें. आप प्रोडक्शन में जा सकते हैं, आप एडिटिंग में जा सकते, मतलब कोई भी आप फील्ड ले सकते हैं. हाँ बिल्कुल. तो वो ये फील्ड जो जैसे बता रहे हैं सबके बहुत बड़ी है, बहुत एक्सपेंड हो चुकी है. डेफिनेटली ऐसा ही है. और अभी हम स्टार्ट में रिकग्नाइजेशन की बात कर रहे थे ना, तो मैं बस एक छोटा सा वाक्य शेयर करूंगा. तो मोइन अख्तर जो है उसको बड़ा शौक था स्टेज के ऊपर काम करने का, और प्राची में वो जब जिन दिनों काम करते थे तो उसके वालिद जो है वो उसको बिल्कुल उन्होंने स्ट्रिक्टली मना किया कि जो है ना कि ये काम उस वक्त इतना ज़्यादा उसको प्राइड भी नहीं समझा जाता था कि, और इतना ज़्यादा सोसाइटी भी उसको उसमें एक्सेप्टेंस उस तरह से नहीं थी, तो उन्होंने मना किया कि आपने जो है वो स्टेज पर परफॉर्म नहीं करना. तो आप वो घर से छुप के जो है वो परफॉर्म करता था, और जब वो उनके पीटीवी के ऊपर कुछ प्लेस वगैरह वो ऑन एयर गए, उसके बाद एट दैट टाइम ज़ियाउल हक वाज प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान, तो उनको प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस के लिए इनवाइट किया गया इस्लामाबाद. तो अब मोइन अख्तर से उनके वालिद कहते हैं कि जो है मैं ज़ियाउल हक का बहुत बड़ा फ़ैन हूँ, तो मैं चाहता हूँ कि मेरी मुलाकात हो उनसे. तो अब मोइन अख्तर जब स्टेज पर अपना प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस के लिए लेने गया, तो उन्होंने फिर ज़ियाउल हक के कान में कहा कि मेरे वालिद जो है वो आपके बहुत बड़े फ़ैन हैं, तो लिहाजा वो आपसे मिलना चाहते हैं. उनके वालिद को बकायदा तौर पे अनाउंस करके स्टेज के ऊपर इनवाइट किया गया. एट दैट टाइम ही फील्स उसके वालिद ने ये फील किया कि उनका वो जो काम था दैट वाज राइट टू सी. मुझे एक दिन मेरे बड़े करीबी और बड़े ही प्यारे दोस्त हैं तौकीन नासिर साहब, इज़ वेरी लेजेंड आर्टिस्ट ऑफ पाकिस्तान मीडिया इंडस्ट्री, ड्रामा इंडस्ट्री के, वो कहते हैं मुझे बड़ा शौक था कि मैं इसमें लाइक कंपटीशन का सीएसएस वगैरह करता, और उन दिनों जिन दिनों में वो कोई तकरीबन कोई 41 ईयर्स अगो ही वाज स्टूडेंट इन जर्नलिज्म डिपार्टमेंट पंजाब यूनिवर्सिटी. तो कहते हैं कि मैंने बड़ा था एट दैट, मैंने देखें कि अगर आप सीएसएस करते अब ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो किसी शहर में कमिश्नर लग जाते, डीसीओ लग जाते. मैंने कहा नो वन नोज टू यू. ठीक है, हमें ये भी नहीं पता बहुत सारे लोगों को कि नॉर्मली तौर पर कि लाहौर में कमिश्नर या आईजी कौन है. तो वो क्या है कि ही इज़ अ पर्सन जिसको पूरा सब कॉन्टिनेंट जानता है, वर्ल्ड वाइड उनकी रिकग्नाइजेशन. ठीक है, तो क्या है कि ये जो मीडिया की फील्ड है, जो रिकग्नाइजेशन और इम्पोर्टेंस जो है वो इसमें है. इशाद, व्हेन वी स्टार्टेड आवर करियर, तो आई रिमेंबर दैट लेफ्टिनेंट जनरल खालिद मकबूल, ही वाज गवर्नर पंजाब, तो वो हमें डिफरेंट सिटीज़ के अंदर ओपन कोर्ट्स में लेके जाते थे, और वो जो सुबह हम ब्रेकफास्ट करते थे गवर्नर हाउस, वो हमें खुद सर्व कर रहे होते थे. दिस इज़ द इम्पोर्टेंस ऑफ द मीडिया. हालांकि इतना स्टाफ होने, तो क्या है कि जो गुड रिलेशनिंग विद मीडिया और वो चीज़ें, ये हर सतह पे जो है वो इसकी ज़रूरत होती है. तो मीडिया पर्सन्स, मीडिया की जो फील्ड है, ये जो इंडस्ट्री है, इसकी इम्पोर्टेंस बहुत ज़्यादा है, और इसमें जितने भी यंगस्टर्स हैं, स्टूडेंट्स हैं जो इसमें आना चाहते हैं, तो ये मत सोचें कि इसकी जो है वो पेंडेमिक में या तो इनकी इसकी वैल्यू डे बाय डे इंक्रीज हो रही है. थैंक यू सो मच सर एंड मैम, आपने बड़ा इन्फॉर्मेटिव हमें नॉलेज दी, और बहुत स्टूडेंट्स को इसमें सपोर्ट मिलेगी, वो जो आना चाहते हैं मीडिया में, फिल्म इंडस्ट्री में, इस फील्ड में ज्वाइन करना चाहते हैं, उनके लिए बहुत सपोर्टिव और इन्फॉर्मेटिव था ये सेशन. और मुझे बल्कि इतनी अच्छी इन्फॉर्मेशन नॉलेज में इजाफा हुआ है, तो स्टूडेंट्स के लिए तो बहुत ही हेल्पफुल होगा. तो मस्ट वॉच दिस सेशन, एंड वी वेलकम यू विद ओपन हार्ट. आप ज्वाइन करें, विजिट करें हमारा वेबसाइट ऑन www.hup.edu.pk, एंड थैंक यू फॉर हैविंग अस. अल्लाह हाफिज़.